अंचल एक्सप्रेसवे का मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने निरीक्षण किया, साथ ही निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है और कहां तक चल रहे हैं उसकी पूरी समीक्षा बैठक भी की। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में विकास को लगेंगे पंख, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाई सर्वेक्षण, जल्द मिलेगी एक्सप्रेसवे की सौगात, जमीन अधिग्रहण का 96% काम पूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बेहद गंभीर है। इससे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सुल्तानपुर, गाजीपुर और अमेठी में हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने गाजीपुर के कासिमाबाद में निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की और बताया कि उनका एक्सप्रेसवे अगले साल अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है। इसमें कुल 8 पैकेज हैं, जो कि कुल प्रोजेक्ट जो है ये 340 किलोमीटर का है। इसमें 7 आरओबी बनेंगे, 7 इसमें मेजर पुल बनेंगे जो कि, और इसमें 123 माइनर ब्रिज हैं, 223 इसमें अंडरपास हैं, 491 कलवर्ट हैं, 4 वायाडक्ट हैं, 1 हवाई पट्टी भी है। तो ये बहुत काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। जितनी सड़कें टूटी हैं उनको यूबिडा अपने खर्चे पर ठीक करेगी, लेकिन काम पूरा हो जाने के पूरा होने के बाद जी हम लोग पास उसकी बजट की व्यवस्था है। पीडब्ल्यूडी को और ग्रामीण अभियंत्रण को हम लोगों ने लिखकर भेज दिया है, जितनी सड़कें हैं उनके लिए सड़क ठीक कराई जाएगी, उनके लिए पैसा अलग से दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जल्द बनाने को लेकर इसे 8 पैकेजों में बांटा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शुमार है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसलिए इसे 8 पैकेजों में बांटा गया है। अमेठी में 2, सुल्तानपुर में 2, आजमगढ़ में 2, गाजीपुर में 2 पैकेज है। जमीन अधिग्रहण का काम 96% हो चुका है, बाकी का अधिग्रहण और मुआवजे का काम 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।